हम लोग मेजर फॉर मेजर चैप्टर का रेडियंस बुक क्लास 8 का ग्रामर करने वाले हैं। तो डी पॉइंट 1.3 में दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरे विद द प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस की सहायता से टू कंप्लीट इस डायलॉग। जो डायलॉग है, डायमंड्स क्या होता है, दो, तो दो लोगों के बीच में बातचीत हो रहा, तो जो डायलॉग हो रहा उसको क्या, उसको कंप्लीट करने के लिए किसका इस्तेमाल करना, सिर्फ दो ही टेंस का इस्तेमाल करना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं, हैज और हैव को आगे ले लेते हैं, तो हो जाता है। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगता है और बाकी के साथ हैज लगता है, बाकी यानी ही सी इट नेम, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है। और सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हैव यू एवर स्टडीड उर्दू, एक लड़का पूछता है दूसरे से क्या तुम कभी उर्दू पढ़े हो, तो दूसरा लड़का जवाब देता है बी, यस आई स्टडीड उर्दू इन हाई स्कूल, हाँ मैं हाई स्कूल में उर्दू पढ़ा। ये बोलता, ये फिर सवाल करता, आई लाइक उर्दू अ लॉट, पहले बोलता है कि मैं उर्दू बहुत पसंद करता हूँ, डू यू, क्या तुम भी पसंद करते हो, तो बी बोलता है नहीं, आई नेवर स्टडीड उर्दू, नहीं मैं पसंद नहीं करता हूँ, आई नेवर स्टडीड उर्दू, मैं कभी भी उर्दू नहीं पढ़ा। तीन से इसी तरह रहेगा क्वेश्चन, एक सवाल फिर जवाब, एक सवाल फिर जवाब। यहाँ पर देखिए भर्व का काम है, तो भर्व में चुनेंगे, देखिए यहाँ पर भर्व क्या दिया हुआ, गो दिया हुआ, यानी ये जो ई वन में हम गो का ही इस्तेमाल करेंगे, गो से रिलेटेड ही सवाल पूछा जाएगा। ये पूछ रहा है, हैव यू एवर डैश टू सिक्किम, क्या तुम कभी सिक्किम गए हो, हैव, तो इसके साथ हैव के साथ क्या लगेगा, भीतरी, तो यहाँ पर गोन हो जाएगा, गो का भीतरी गोन। तो क्या सवाल था, हैव यू एवर गोन टू सिक्किम, क्या तुम कभी सिक्किम गए हो, तो बी बोलता नहीं, आई नेवर हैव, मैं कभी नहीं गया हूँ, बट आई वुड लाइक टू गो देयर समडे, लेकिन वहां एक दिन, वहां किसी दिन जाना पसंद करूंगा। ये फिर सवाल करता, बोलता है डैश यू एवर डैश टू दिल्ली, यानी बोल रहा है क्या, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हैव कर देंगे। उसके बाद हैव यू, उसके बाद क्या हो गया, हैव यू एवर, और यहाँ पर भीतर ही चाहिए, हैव के साथ क्या, भीतर है, तो गो का भीतर लगा देंगे गोन, तो हो जाएगा हैव यू एवर गोन टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, तो बी जवाब देता है यस, हाँ गया हूँ, आई डैश देयर 2 years ago, अब देखिए यहाँ पर 2 साल पहले, 2 साल पहले की बात हो रहा है, एगो तो टाइम क्या बता रहा है, पास्ट टेंस बता रहा, तो पास्ट टेंस का सिर्फ एक ही लगाना है काइंड, सिंपल पास्ट टेंस, तो आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V2 चाहिए, तो गो का V2 वेंट, तो बी जवाब देता है यस आई वेंट देयर 2 years ago। एक लड़का, हैव यू एवर ब्रोकन योर लेग और आर्म, यहाँ पर भर्म हमें क्या मिल गया, ब्रोकन, ये भीतरी है, V1 क्या होता है ब्रेक, V2 होता है ब्रोक, और भीतरी ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। तो ये पूछता है, हैव यू एवर ब्रोकन योर लेग और आर्म, क्या तुम कभी अपना पैर या बांह तोड़े हो या फिर गिर के तोड़े हो, तो बी बोलता है यस, हाँ आई डैश माई आर्म वेन आई वॉज 10 years old, यहाँ पे क्या बोला जाए, वाज है पास्ट टेंस, तो बोला जा रहा जब मैं 10 साल का था तो मैं अपना बांह तोड़ा, तो यहाँ पर कौन सा लग जाएगा, वाज है तो सिंपल पास्ट टेंस, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V2,
बी टू लगेगा तो ब्रोक हो जाएगा, यहां पर ब्रोक, बी आर ओ के ई, ब्रोक, बी टू। आई वॉज क्लाइंबिंग ए ट्री वेन आई बोला आई डैश, तो बोला जब मैं एक पेड़ पर चढ़ रहा था जब मैं गिरा, तो फॉल भी वन है, यहाँ पे क्या चाहिए भी टू चाहिए, सब्जेक्ट प्लस भी टू, सिंपल पास्ट टेंस, तो फॉल का भी टू क्या होगा फेल, यहाँ पर फेल लग जाएगा। सी में है विच आर्म डैश यू डैश, तो यहाँ पर क्या बोल, ये ए बी जवाब दे दिया कि पास्ट टेंस यानी भूतकाल में मेरा बाह टूटा था जब मैं 10 साल का था, तो सवाल भी पूछेगा क्या उससे रिलेटेड, सवाल क्या पूछेगा पास्ट टेंस में पूछेगा, तो ये सी में क्या पास्ट टेंस ले जाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस। तो बोला जाएगा कौन सा बाह तुम तोड़े, वो पूछा कौन सा बाह तुम तोड़े, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है डिड, तो यहाँ पर डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, उसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा भी वन, तो भी वन क्या हो जाएगा ब्रेक, तो विच आर्म डिड यू ब्रेक, तो जवाब देता है आई ब्रोक माय लेफ्ट आर्म, मैंने अपना लेफ्ट आर्म तोड़ा बाया बाह। सी दिया हुआ, कोई बोलता है, कोई सवाल करता है डैश यू एवर डैश एन इंग्लिश मूवी, तो यहां में भर्व की जोड़ पड़ेगा, तो हम बी में देखते हैं सी में देखते हैं कौन सा भर्व देखते हैं कौन सा दिया हुआ, देखिए भर्व क्या है सीन, सी मतलब तो देखना, ये भीतरी है यानी कि ये जो पूरे ग्रुप है पूरा थ्री में जो ग्रुप है सब में क्या है सी इस्तेमाल करेंगे, सी का जो भर्ब फॉर्म है वही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा यू के साथ क्या लगेगा हैव, हैव, और यहाँ पर क्या लगेगा भीतरी, तो सीन क्या है भीतरी सीन, तो बोला जा रहा हैव यू एवर सीन एन इंग्लिश मूवी, क्या तुम कभी एक अंग्रेजी फिल्म देखे हो, तो दूसरा लड़का जवाब देता नो आई हैवंट, नहीं मैं नहीं देखा हूँ, बट आई डैश सीन मैनी बंगाली मूवीज, यहाँ पर भी थ्री है तो सिंपल पास्ट में तो भी थ्री होता नहीं है, तो क्या बच गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आई क्या है आई सब्जेक्ट उसके बाद हैव लगेगा, आई के साथ हैव लगता है यहाँ पर हैव हो जाएगा, बट आई हैव सीन मैनी बंगाली मूवीज, लेकिन मैं कई बंगाली फिल्म मैंने कई बंगाली फिल्में देखी हैं। सी में है आई डैश नेवर डैश ए बंगाली मूवी, तो फर्स्ट लगा बोलता है आई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हैव लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर भीतरे, तो सीन लगाएंगे सीन भीतरे, आई हैव नेवर सीन ए बंगाली मूवी, मैंने कभी भी एक बंगाली मूवी नहीं देखी है। फोर में है बोला जा रहा कोई बोलता है डैश यू एवर डैश टू द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, यहाँ पर हमें भर्ब चुनना पड़ेगा, तो हम देख लेते हैं बी सी डी में कौन सा भर्ब दिया हुआ, देखिए यहाँ पर गोन दिया हुआ भीतरी, गो का भीतरी गोन, तो यहाँ पर हम गोन ही इस्तेमाल करेंगे, लाइब्रेरी से रिलेटेड क्या है गोन ही, क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है तो बी जवाब दे रहा, तो सेम टू सेम ही पूछेगा, तो भर्व सीम ही रहना चाहिए। फोर पूछ रहा है यू के साथ क्या लगेगा हैव, तो हैव यू एवर गोन टू द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, हैव के बाद क्या लगता है गोन भीतरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भीतरी, तो हैव यू एवर गोन टू द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, क्या तुम कभी जिला लाइब्रेरी गए हो, तो बी जवाब देता है, दूसरा लड़का जवाब देता है यस आई डैश गोन देयर मेनी टाइम्स, यहाँ पर क्या है भीतरे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भीतरे, तो आई के बाद क्या लग जाएगा यहाँ पर हैव लग जाएगा हैव, तो बोला जा रहा आई हैव गोन देयर मेनी टाइम्स, हाँ मैं वहाँ कई बार गया हूँ, लास्ट वीक, लास्ट वीक क्या गया पास्ट टेंस पिछला सप्ताह, तो कौन सा लगेगा सिंपल पास्ट टेंस, तो आई हो गया सब्जेक्ट उसके बाद भी टू लगेगा यहाँ पर, तो गो का भी टू वेंट, यहाँ पर वेंट हो जाएगा, लास्ट वीक आई वेंट देयर ऑन सैटरडे एंड चेक्ड आउट ए नोवेल बाय टैगोर, गत सप्ताह मैं वहाँ शनिवार को गया था और टैगोर द्वारा लिखे गए एक नोवेल चेक किया,
आई हैव नेवर, आई हैव नेवर, हैव तेजार से बाद यहाँ क्या लगेगा भीतर है, आई हैव नेवर डैश टैगोर्स बुक इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर हम टैगोर बुक की किताब से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे हैव के बाद यहाँ पर डिड लगा देंगे। मैंने अंग्रेजी में टैगोर की पुस्तकें कभी नहीं पढ़ी हैं, नेवर के बाद डिड, क्योंकि लाइब्रेरी कहाँ किस लिए जाते हैं पढ़ने के लिए, तो किताब से रिलेशन क्या होगा, किताब से रिलेशन कौन सा भर्ब होगा, पढ़ना ही होगा, यहाँ पर हम भी थ्री रीड कर लगाएंगे आरई ए डी। सी में दिया हुआ डैश यू एवर डैश हिज बुक्स इन ट्रांसलेशन, फिर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव, तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हैव लगा देंगे, हैव यू एवर, तो यहाँ पर क्या होगा रीड हिज बुक्स इन ट्रांसलेशन, हैव यू एवर रीड हिज बुक्स इन ट्रांसलेशन, क्या तुम कभी उनकी किताबें दूसरी भाषाओं में पढ़े हो, ट्रांसलेशन में मतलब दूसरी भाषाओं में, तो जवाब मिलता है हाँ, इन हाई स्कूल आई डैश टू ऑफ हिज नॉवेल्स इन हिंदी, ठीक है। आई के बाद क्या होगा यहाँ पर भी टू होगा, भी टू हाई स्कूल की बात बोली जा रही है, हाई स्कूल बीता हुआ समय के बारे में बोला जा रहा है, तो सिंपल पास्ट टेंस सही प्लस भी टू, तो हाई स्कूल में मैं हिंदी में उनकी दो उपन्यास पढ़ा था, आई रीड। फाइव है ये बोलता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या है भीतरी है, कम केम कम भीतरी, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे योर पेरेंट्स, ये प्लूरल है माता पिता, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हैव योर पेरेंट्स एवर कम हियर टू विजिट यू, क्या तुम्हारे माता पिता तुमसे मिलने के लिए, विजिट यू तुमसे मिलने के लिए यहाँ कभी आए हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ लगता है, जहाँ पर पास्ट में जो कुछ काम हुआ तो उसका प्रेजेंट में भी कुछ वैल्यू हो, रिलेशन हो, तो यहाँ पर लगे हैव योर पेरेंट्स एवर कम हियर टू विजिट यू, तो बी बोलता नो नहीं, द नेवर डैश दे सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या लगेगा भी टू, तो दे नेवर केम सी एम ई केम, वे कभी नहीं आए, बट लास्ट ईयर माई ब्रदर, यहाँ पर लास्ट ईयर है पिछले साल, यानी सिंपल पास्ट टेंस, लेकिन पिछले साल मेरे भाई एक सप्ताह के लिए मुझसे मिलने आया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर केम हो जाएगा सी एम ई केम। ये जो समय जो दिया हुआ रहता है ना उससे हम पहचानते हैं कि वो पास्ट टेंस में है कि प्रेजेंट टेंस में, तो लास्ट ईयर पिछला साल तो क्या है बीता हुआ समय है, तो जाहिर सी बात है सिंपल पास्ट ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, नहीं तो सिंपल पास्ट टेंस लगेगा।